बोर्ड एग्जाम में ग्राफ से 5 नंबर का जो है प्रश्न पूछता है, अनिवार्य है हर साल जो है 5 अंक का प्रश्न आपको जो है इससे जो पूछेगा, और बहुत ही आसान है ग्राफ बनाना। मतलब ये हुआ कि एक तरह से ये जो है 5 नंबर जो है आप लोग के लिए जो है फिक्स हो गया, है ना। ग्राफ बना दीजिएगा, 5 नंबर आ गया। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को ग्राफीय विधि से हल करें। रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने का कई विधि आप लोग को पढ़ाए हैं, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि पढ़ाए थे, विलोपन विधि पढ़ाए थे, क्या वज्रगुणन है, तुलनात्मक विधि है, और एक विधि है क्या ग्राफीय विधि। मतलब इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। आपको एग्जाम में देगा ग्राफ खींचने के लिए, इसके लिए आप लोग क्या करिएगा कि सबसे पहले आंसर में दोनों समीकरण को उतार दीजिएगा, यानी एक्स माइनस वाई बराबर माइनस वन, इसको समीकरण वन मान लीजिए आप लोग, 3x प्लस 2y बराबर कितना 12, ये समीकरण दो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, किसी एक समीकरण से हम लोग कि कोई एक चर को जो है दूसरे चर के रूप में लिखेंगे, वहां से हम लोग क्या करेंगे एक्स वाई का मान प्राप्त करेंगे, तब क्या होगा कि हम लोग ग्राफ खींचेंगे। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं समीकरण वन से, समीकरण एक से लिख दिए, समीकरण एक से लिखेंगे, ये क्या है कि समीकरण एक एक्स माइनस वाई बराबर माइनस वन है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, वाई माइनस में है बाई ओर, दाई ओर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस वाई, है ना। यहाँ पे अभी आप लोग क्या देख रहे हैं कि चर एक्स को हम लोग चर वाई के रूप में लिखे हैं, ठीक है ना। आप जो है चर वाई को भी एक्स के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा इस बात पे ध्यान दीजिएगा ये जो आसान कैसे होगा। यदि हम लोग यहाँ पे चर वाई को एक्स के रूप में लिखेंगे तो हमको ये माइनस भी जो है कॉमन लेके कटाना होगा, मेरा काम जो है बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा इस बात पे ध्यान दीजिएगा आपका जो है आसान कैसे हो रहा है, ठीक। अब क्या है कि चर एक्स को हम लोग वाई के रूप में लिखे हैं, चर एक्स को वाई के रूप में लिखे हैं तो वाई का मान हम लोग जो है मान लेंगे, है ना। जो भी मर्जी हो आप लोग जो है वाई का मान मान सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं यदि वाई बराबर, जैसे वन मान लिया, वाई का मान वन मान लिया, तो अब यहाँ पे देखिए तो एक्स का मान कितना आएगा, अब एक्स बराबर ये माइनस वन, वाई का मान आप लोग प्लस वन माने थे, प्लस वन यहाँ सेट करिए, माइनस वन और ये प्लस वन कट गया, एक्स का मान क्या आया जीरो आया, एक मान हम लोग का हो गया, यानी वाई का मान वन तो एक्स का मान जीरो, या ऐसे भी कह सकते हैं एक्स का मान जीरो तो वाई का मान वन। फिर लीजिए आप लोग वाई का मान अगर हम लोग जो है टू मान लिए, क्या माने टू, अब देखिए तो एक्स कितना आता है, एक्स बराबर हो जाएगा कितना माइनस वन, और यहाँ पे क्या दीजिएगा प्लस टू दीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को है, जो बच्चा भी एक्स वाई का मान निकाल लिया वो जो है ग्राफ सीख लिया। अभी ये फर्स्ट है इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं कि जो है हल करके दिखा रहे हैं, है ना। नहीं तो ये जो है आप क्या करिएगा बाय हेड ही इसको जो है निकाल लीजिएगा, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, होगा। और यदि जो है आप लोग वाई का मान थ्री लीजिए तो वाई का मान कितना लेंगे हम लोग थ्री, वाई थ्री लेंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा माइनस वन प्लस थ्री, यही दीजिएगा यहाँ एक्स का मान यहाँ कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या किए, कम से कम दो मान भी अगर निकालिएगा एक्स वाई का, है ना, तो भी जो आपका जो ग्राफ बन जाएगा। आप लोग जो है अगर तीन निकाल लेते हैं जैसे ये होगा कि अगर ग्राफ में कहीं गलती होगा तो गलती का पता चल जाएगा। इसको क्या करिए इस तरह जो है बॉक्स बना के सकवा दिए, यहाँ पे एक्स दीजिए, ये वाई सेट कर लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए वाई वन है तो एक्स जीरो, वाई वन है तो एक्स जीरो है, वाई टू है तो एक्स कितना है वाई टू, वाई के सामने यहाँ टू दीजिएगा तो एक्स के सामने यहाँ क्या दीजिएगा वन दीजिएगा, वाई थ्री है तो एक्स कितना है वाई थ्री, है ना, एक्स कितना है टू, ठीक। ये क्या किया हम लोग जो है
एक समीकरण हल करके यहाँ तक हम लोग जो पहुंच गए है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण दो को हल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग समीकरण दो से, समीकरण दो से लिखे यही ना, समीकरण दो से लिखेंगे। और जैसे ही समीकरण दो से लिखे तो हम लोग दो को उतारेंगे। दो क्या है मेरे पास, 3x + 2y बराबर कितना है, 12 है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, किसी एक चर को दूसरे चर के रूप में लिखेंगे, जैसे आपको आसानी होगा। आप लोग जो है यदि यहाँ 2y बराबर लिखें 12 - 3x, आप लोग जो है 3x बराबर भी 12 - 2y लिख सकते हैं। और बहुत बच्चा सोचता है कि सर ऐसे जो है क्यों बनाते हैं, हम बार बार बोलते हैं ये आपका जो है मर्जी है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि सिर्फ y बराबर कितना हो जाएगा कि 12 - 3x, अब बताए कितना हो जाएगा, 2 होगा है ना। क्यों, क्योंकि जो है 2 जो है गुणा में था, दाई ओर गया तो किसमें हो गया, भाग में हो गया। अब देखिए पहले हम लोग क्या किए थे कि चर x को y के रूप में लिखे थे, इस बार क्या किए हैं कि चर y को x के रूप में लिखे हैं। जब x के रूप में लिखे हैं तो हम लोग x का मान मानेंगे। यदि x बराबर जो लीजिए आप लोग 0 ले लीजिए, x बराबर 0 लिए तो x बराबर 0 लिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 - 3 × 0 / 2 क्या कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पे देखिए 12 में आप लोग क्या करिएगा, ये जो है 3 × 0 0 घटाइएगा ना, बटा 2, यानी 12 में क्या करिएगा 0 घटा देगा तो 12 होगा, उसमें 2 से भाग दिए कितना आएगा, 6 आएगा। अभी जो है शुरुआती दौर चल रहा है इसीलिए हम पूरा हल कर रहे हैं, बाद में हल नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग जो इसको सीखिए। यदि हम लोग क्या किए x का मान, देखिए यहाँ पे देखिए टेक्निक, अगर हम लोग x का मान 1 माने तो 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 12 × 3 = कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में 2 से अगर जो है भाग दिए किस में आएगा, दशमलव में आएगा, तो ये थोड़ा सा आप लोग को जो है ना ये लगेगा। इसलिए आप लोग क्या करिए कि यहाँ 2 मान लीजिए, x का मान 2 मानिए, अभी देखिए कितना आएगा, x का मान 2 माने माने ना। अब y बराबर कितना हो जाएगा, 12 - 3 × 2 अब मतलब ये मान जो हम लोग मानते हैं ना, आप ये देखिएगा ना आसान आपको कैसे होता है, वो मान मानिए। तो ये कितना हो जाएगा, 12 - 6 है ना भाई, 2 हो गया, तो 12 में 6 घटा कितना हो जाएगा, 6 × 2 यानी कितना आया, ये 3 आया। अब जो है एक मान और जो है कोई ले लीजिए, बोलिए आप लोग क्या मानिएगा, आप ही लोग बोलिए, 4 मान लीजिए, एक्स बराबर कितना, 4 मानिए। आप लोग जो बोलिएगा हम वो मानेंगे, ये 12 - ये कितना हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा, अब बताए कितना हो जाएगा, 2। अब ये 12 - 12 बटा कितना, 2। अब ये कितना हो गया, 0 / 2 कितना आया, ये 0 आया। इसी तरह जो है इसको भी लिखिए सारणी बना के, तो यहाँ हम लोग क्या देंगे, x देंगे और इसमें y है ना, ये 3 बॉक्स बने। अब यहाँ पे देखिए x का मान 0 लिए, यहाँ देखिए x 0, तो y कितना आया है, 6 आया, या 6 से कर देते हैं, x का मान कितना है, 2, तो y कितना आया है, 3, x का मान 2, तो y कितना आया, 3 आया है, x का मान कितना, 4 यहाँ रखते हैं, y कितना आया है, 0 यहाँ रखते हैं। yes, इस तरह हम लोग क्या किए, दोनों समीकरण का अलग अलग x y का हम लोग क्या किए हैं, निर्देशांक है ना निकाल लिए हैं, x y का मान निकाल लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों सारणी के द्वारा ग्राफ खींचेंगे क्या। yes, sir. देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि समीकरण 1 और 2 को हल करके अलग अलग क्या कहते हैं, एक्स वाई का मान हम लोग निकाल लिए थे। अब क्या करना है कि ये जो सारणी पहला समीकरण का देख रहे हैं और ये दूसरा समीकरण का सारणी, इसी से हम लोग क्या करेंगे जो है ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए देखिए हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेते हैं, है ना। ये ग्राफ आप लोग जो है स्पेशल ग्राफ कॉपी मिलता है वो खरीद लीजिएगा, उस पर बनाइएगा, है ना। यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष खींचने के बाद आप लोग क्या करिए,
ये जो पॉइंट जो देख रहे हैं एक्स का और वाई का, इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे इसमें भी जो है ना इसका जो है इकाई जो है मानेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये जीरो है, यहाँ पे कितना होगा, ये वन होगा ना, ये टू, ये थ्री और ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स। मतलब ये जो क्या किए जीरो से जो है दाई ओर, ये जीरो से दाई ओर हो गया, प्लस में हम लोग जो संख्या लिख देंगे। अब ये जीरो से बाई ओर माइनस में होता है माइनस वन, ये माइनस टू, माइनस थ्री और ये माइनस फोर, ये माइनस फाइव और ये माइनस सिक्स है ना। अब आइए ऊपर, ऊपर जो है वाई अक्ष में आपका जो है प्लस होगा वन है ना, ये टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स। वाई अक्ष ऊपर में प्लस हो गया, वाई अक्ष जो है जीरो से नीचे क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री और ये माइनस फोर, माइनस फाइव है ना, इस तरह ये माइनस फिर जो है सिक्स दे दिया हम लोग। यह आपका वाई डैश में है ना। इतना दर्शाने के बाद इसमें किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है? नो सर, है ना, कोई दिक्कत ना है नहीं। ये देखिए यहाँ पे एक बात याद रखेगा, जीरो से ऊपर वाई प्लस में है, जीरो से नीचे वाई माइनस में है, जीरो से दाई ओर एक्स प्लस में, जीरो से बाई ओर एक्स माइनस में। ये आप लोग भी सेम जब भी ग्राफ खींचेगा इसी तरह लीजिएगा। अब आइए पहला समीकरण का जो आप लोग निकाल के रखे एक्स वाई का मान उसको देखते हैं। पहला समीकरण में जब एक्स बराबर जीरो है तो वाई बराबर वन, ये आप देखिए ये बिंदु कहाँ पे होगा, यानी इसको हम लोग को क्या करना है चिन्हित करना है। x बराबर जीरो तो y बराबर वन, देखिए इस बिंदु पे x भी जीरो है और y भी जीरो है, यहाँ x जीरो हो गया, x जीरो यही हुआ। अब y कितना जाना है, एक जाना है, तो y में कहाँ, यहाँ एक, यानी ये जो बिंदु आ ये हो गया जीरो वन, आपका क्या हो गया जीरो वन, इसका नाम हो गया जीरो वन। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग निर्देशांक लिखते हैं इसमें पहले x का मान लिखते हैं बाद में y का मान लिखते हैं, है ना, निर्देशांक क्या होता है x y के रूप में होता है। अगला देखिए, जब x 1 है तो y 2 है, x 1 यहाँ लीजिएगा ये ना, x 1 इसको जो था सर डिप कर दीजिए, y 2 इसको डिप कर दीजिए है ना। अब इससे आप लोग क्या करेगा, आगे बढ़िएगा और इधर से भी आगे बढ़िएगा, तो ये कहाँ पहुंचेगा देखिए, तो यहाँ पहुंचेगा, पहुंचेगा यहाँ पे है ना, इधर से गए हम लोग इधर से गए, तो इसका जो है नाम क्या हो गया वन टू हो गया, पहले एक्स लिखा गया है ना, इसका नाम हो गया वन टू, टू वन नहीं होगा इसका नाम, इसका नाम वन टू। आगे देखिए एक्स का मान टू है तो वाई का मान थ्री, एक्स का मान टू है ना और वाई का मान थ्री है ना, इधर से आप लोग आइएगा और इधर से आइएगा, तो यहाँ पे एक दूसरे को क्या करेगा ये काटेगा, तो ये जो बिंदु हुआ इसका नाम हो गया टू थ्री, क्या नाम हो गया टू थ्री। अब देखिए ये पहला समीकरण से जो है मान निकाला हुआ है उसी से ये तीनों बिंदु हम लोग क्या किए हैं चिन्हित किए हैं, एक तो ये था इसमें ना, तीनों बिंदु हम लोग क्या किए चिन्हित किए, ये तीनों बिंदु को हम लोग क्या करेंगे कि मिला देंगे, इसको मिलाइए इस तरह जो है हम लोग तीनों बिंदु को जो है मिला रहे हैं है ना, और इसको जो है लंबा आप लोग जो बड़ा खींच सकते हैं, इसको आप लोग सीधा खींचिएगा पूरा सीधा, हाँ यहाँ पे आप लोग ग्राफ को पिन खींचेगा उसमें जो है ठीक ढंग से होगा, या आप लोग को सिखाने के लिए इसमें जो हम बना रहे हैं, वैसे जो है बोर्ड पे जो है बनाना तो नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग को सिखाने के लिए बना रहे हैं। ये जो रेखा प्राप्त हुआ सरल रेखा, ये आपका क्या हो गया कि पहला समीकरण का रेखा हुआ, ये है ना, ये आपका जो है पहला समीकरण का रेखा हुआ। तो पहला समीकरण आपका क्या था, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस वन, ये रेखा आपको एक्स माइनस वाई बराबर माइनस वन, ये जो समीकरण है इसी का ये सरल रेखा प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है अगला समीकरण को हल करके जो निर्देशांक निकाले थे है ना उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि x जीरो है तो y छ है, ये x जीरो है ना, y छ यहाँ होगा, ये बिंदु हो जाएगा
क्या जीरो छह, इसका नाम हो जाएगा जीरो छह। फिर देखिए एक्स का टू है तो वाई थ्री, एक्स टू और वाई थ्री यही बिंदु होगा टू थ्री वाला, है ना। ये बिंदु जो है क्या हो गया, पहला जो है समीकरण में ये बिंदु आया था इसमें भी आ गया है ना, ये आपका हो गया जो है टू थ्री ये बिंदु, इसको तो लिख करते हैं। अगला क्या है एक्स चार है तो वाई जीरो, एक्स चार यहाँ पे वाई जीरो यहाँ पे, यानी यही तो यही होगा। देखिए वाई जीरो इसका मतलब वाई में तो ऊपर बढ़ा नहीं तो नीचे, और एक्स का मान लेकिन जो है चार गया, इसका नाम हो गया चार जीरो। अभी देख रहे हैं आप लोग दूसरा समीकरण का जो निर्देशांक हम लोग निकाल कर रखे थे उससे हम लोग जो है ये बिंदु और ये बिंदु खींचे हैं। अब ये तीनों बिंदु को हम लोग क्या करेंगे मिलाएंगे, इसको देखिए हम जो मिला रहे हैं फर्स्ट तेरा हो रहा ना, इसको जो इसका से मिला तेरा हो रहा था। देखिए ग्राफ में जो आलोक बनाइएगा ना ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ग्राफ में ऐसा नहीं होगा। देखिए आप लोग को जो है बहुत हद तक हम जो है बोर्ड पे ग्राफ समझाने का कोशिश कर रहे हैं जी सर, और इंशाल्लाह समझ भी गए हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो अभी सरल रेखा प्राप्त किए, ये सरल रेखा है खींचने में जो है यहाँ पे बड़ा स्केल नहीं रहने के चलते टेढ़ा मेरा हो गया अलग बात है, लेकिन आप इसको क्या मानना है सरल रेखा मान लेना है। ये आपका जो है कौन समीकरण का हुआ, समीकरण दो, समीकरण दो थ्री एक्स प्लस टू वाई बराबर बारह, थ्री एक्स प्लस टू वाई बराबर बारह बराबर बारह। इस समीकरण से क्या किया हम लोग इस रेखा को खींचे। अब देखिए आपको क्या करना था कि ग्राफीय विधि से हल करना था, यहाँ पे अब हम लोग को ये देखना है कि ये दोनों सरल रेखा एक दूसरे को किस बिंदु पे काटा, इस बिंदु पे काटा है, इस बिंदु पे क्या क्या प्रतिच्छेद क्या है, तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना है टू थ्री है, यानी इसका जो आंसर होगा हल होगा है ना टू थ्री, तो टू थ्री होगा, यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा टू, वाई का मान थ्री, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह जो हम लोग ग्राफ कम्प्लीट कर लिए।